वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो फाइनेंस पॉलिसी 22 के बारे में। 24 मई 2022 को स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर 11 इशू किया, जिसके अकॉर्डिंग वो व्हीकल जिनकी कैपेसिटी 1000 सीसी से ज्यादा है उनका फाइनेंसिंग टर्नओवर 5 ईयर्स से कम करके 3 ईयर्स कर दिया गया, और वो व्हीकल जिनकी कैपेसिटी 1000 सीसी तक है उनका फाइनेंसिंग टर्नओवर 7 ईयर्स से कम करके 5 ईयर्स कर दिया गया। ये क्यों किया गया? ये बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि व्हीकल्स की डिमांड बहुत इंक्रीज कर रही थी, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये ऐसा किया गया। 1000 सीसी की कैपेसिटी की व्हीकल्स में हमारे पास सुजुकी एक ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास आल्टो, वैगन आर और टल्टस जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। 1000 सीसी की कैपेसिटी से ज्यादा की कैपेसिटी में हमारे पास चेंगेन की एल्सवन और टोयोटा यारिस जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस को फर्दर अप्लाई करते हुए डाउन पेमेंट जो है वो 15% से बढ़ाकर 30% तक कर दी गई है, और मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट जो है किसी भी पर्सन के लिए वो 3 मिलियन तक कर दी गई है। आरडीए अकाउंट होल्डर जो कि रोशन अपनी कार स्कीम से गाड़ी बाय करना चाहते हैं, उन पर इस स्कीम का किसी किस्म का कोई इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा यूज व्हीकल भी ऑटो फाइनेंस पॉलिसी के ऊपर फाइनेंस नहीं की जा सकती, और इसके साथ साथ ही इम्पोर्टेड व्हीकल जो कि हम इम्पोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज में हमारे पास मौजूद हैं जो इम्पोर्ट की जाती हैं, वो भी ऑटो फाइनेंस पॉलिसी से फाइनेंस नहीं करवाई जा सकेंगी। इसके साथ साथ ही लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी इस पॉलिसी का कोई इतलाक नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।